एमएस ईरानी उर्फ मेहर बाबा को दान में मिली करीब 27 एकड़ जमीन मेहर बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट मंडला के प्रबंधक धीरेंद्र चौधरी द्वारा खुर्द बुर्द कर दिए जाने के मामले में गुरुवार से एसडीएम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अहमदनगर के श्री अवतार मेहर बाबा परपिचुअल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को बिना मंडला ट्रस्ट की सहमति के दान में दी गई अतिक्रमणयुक्त खसरा नंबर 159 की 4.40 एकड़ जमीन के नामांतरण तथा जबलपुर व मंडला के डेवलपर को बेची गई खसरा नंबर 157 की 10 एकड़ जमीन के बटानकिन के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने और अपना पक्ष रखने उक्त दोनों जमीन पर करीब 3.5-4 दशक से काबिज देवदरा के 40 परिवार के 100 से अधिक लोग एसडीएम कोर्ट पहुंचे। सूत्रों के अनुसार बटानकन और नामांतरण के दोनों मामलों में दूसरे पक्ष से कोई कोर्ट में नहीं पहुंचा। जबलपुर व मंडला के डेवलपर को बेची गई जमीन के बटानकन मामले में दूसरे पक्ष को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने तारीख बढ़ा दी गई है। इस मामले में अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। हमारे क्षेत्र में मेहर बाबा ट्रस्ट की एक जगह थी जो मेहर बाबा को मिली थी और उसमें आमों के वृक्ष हुआ करते थे और मेहर बाबा का विचार था कि एक सुंदर उपवन की तरह उसको सुसज्जित किया जाएगा और जहाँ ये लोग जो आए हुए हैं ये सालों से इस जमीन को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ जो आज पेड़ बचे हुए हैं वो इन्हीं सब लोगों के कारण बचे हुए हैं, नहीं तो जो वन माफिया है जो जंगल साफ कर रहे थे वो वहाँ के लोकल के ही पेड़ काट देते और कहीं ना कहीं उस वृक्ष को उस जगह को संरक्षित करने का काम ये लोकल लोगों ने किया है। और एक विचार भी ये था कि बाबा चूंकि सबके साथ रहते थे, सबके हित की चिंता करते थे, तो ये गरीब लोग हैं, इनको वहाँ पे रहने के लिए एक आवास मिल जाएगा। ये वहाँ पे अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं और पेड़ों को संरक्षित भी कर रहे हैं और बाबा की उपासना भी एक तरीके से यही लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट के लोग बनते हैं, जो कभी जिन्होंने उस जगह को झांका नहीं, वो आज पैसे के लालच में उस जगह को बेच रहे हैं। कभी कोई झांकता नहीं था, वहाँ पर दिया जलाने का काम भी इन्होंने किया है हर साल, वहाँ पे उसकी पुताई रंगाई करने का काम भी इन लोगों ने किया है। इन लोगों के आज जब वहाँ पे उसको काट के एक कॉलोनाइजर उसमें अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है तो कहीं ना कहीं ये लोगों की पीड़ा भी है। मेहर बाबा गरीबों के लिए काम करते थे, उनका विश्वास था कि सबका साथ रहे, सबका भला हो, इस विचार से उन्होंने वो जगह ली थी, उनके सानिध्य में वो जगह थी और अब कहीं ना कहीं इनको जो घरों से निकालने का प्रयास किया जा रहा है तो ये मेहर बाबा के विचार के हिसाब से तो नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मेहर बाबा के विचारों का हनन किया है। मैं संदीप सिंह हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ आ चुका है कि जो व्यक्ति 12 साल से किसी जगह पर काबिज है लगातार, वो उस जगह का स्वामी मालिक होता है। ये तो पिछले 25 सालों से वहाँ पे काबिज है। मैं तो जब कक्षा 3 में पढ़ता तब से इनको लगातार वहाँ पे रहते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद उस जगह से इनकी आस्था जुड़ी हुई है, उस जगह पे इन्होंने अपने जीवन के पूरे पल गुजारे हैं, इनके बुजुर्गों ने अपना पल गुजारा है। आज उस जगह से यदि इनको उजाड़ने की बात होती तो सरासर गलत बात है। मेहर बाबा ट्रस्ट की जमीन के मामले में आपत्ति लगाने पहुंचे लोगों ने कहा कि बाप दादा के जमाने से रह रहे हैं, सरकार ने बिजली वोटर कार्ड सब बना कर दिया, अब बोल रहे हैं जगह खाली करो। इन्होंने कहा कि ये जमीन ट्रस्ट की थी तो 30-35 साल तक ट्रस्ट के लोग और धीरेंद्र चौधरी कहाँ थे। तहसील कार्यालय आए हुए लोगों ने कहा कि क्या प्रशासन को नहीं पता था कि यह जमीन ट्रस्ट की मिल्कियत वाली है। यदि ट्रस्ट की मिल्कियत की जमीन थी तो इतने साल तक हमें काबिज क्यों रहने दिया। आज जब जमीन सौदागरों को बेच दी गई तो प्रशासन कह रहा है कि जमीन उनकी है, हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, हमसे जमीन खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। आज जो है जो ग्राम देवदरा में निवासी जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, 30 से 40 परिवार के लोग हैं, वो लगभग 70 से 80 वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं और मेहर बाबा ट्रस्ट की जो भूमि है उसको जो है वहाँ के जो प्रबंधक रहे हैं धीरेन्द्र चौधरी उनके द्वारा क्रैक कर लिया गया है और उनको तहसीलदार के द्वारा वहाँ पर एक सूचना जारी की गई कि जिस किसी को वहाँ पर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराएं। तो वो सभी ग्राम के लोग मेरे से आज संपर्क किए थे और मैंने उनके एवज में आज वकालतनामा यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। निजी संपत्ति नहीं, वो एक्चुअली में क्या है कि ट्रस्ट की संपत्ति है और ट्रस्ट की संपत्ति अगर है तो उसमें आप खसरा क्रमांक जो उसमें 157 नंबर है उसमें हमने जब अवलोकन किया तो उसमें लिखा हुआ है कि ये भूमि जो 5 वर्षों से पड़ी हुई है और उनने अगर उस भूमि को क्रय किया हुआ है तो माननीय कलेक्टर महोदय की उसमें अनुमति भी आवश्यक है जो कि नहीं ली गई है। तो ऐसी स्थिति में पूरा प्रकरण संदिग्ध अवस्था का है तो जिसका आज हमने वकालतनामा प्रस्तुत किया है और दस्तावेज हम निकाल करके फिर आगे हम जो भी प्रक्रिया रहेगी उचित उसका हम ये